हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी बे। इजी बे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि सर इंग्लिश के लिए कौन सी बुक अच्छी है। जो स्टूडेंट एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएल या एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग का भी कर रहे हो, उनके लिए अगर जो इंग्लिश के लिए मुझे सबसे अच्छी बुक जो लगी है वो आपको है आपके सामने लेकर क्या है, वो आपका है अरिहंत का ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ठीक है, बाई एसपी बख्शीस। ठीक है, ये बुक है, ये कुछ आपकी इतनी मोटी बुक है, ठीक है, जिसमें लगभग 800 पेज हैं, 750 पेज हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप का इसका साइड कवर दिखता है, समझे। तो आपको दिखा बताना ये चाहते हैं कि ये बुक क्यों अच्छी है, क्योंकि इस बुक में आपका सब कुछ मिल जाता है, ग्रामर पोर्शन भी मिल जाता है और आपको भोके भी मिल जाती है और सेंटेंस सब जो पूरा सिलेबस का इंग्लिश का पूरा सिलेबस है, फुल सिलेबस इसमें आपको एक ही बुक में मिल जाती है, ठीक है। तो अगर बात करें कि इस बुक में क्या क्या है तो एक बार देख ले कंटेंट इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला पेज आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश फॉर ऑल कंपिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है। उसके बाद अगली पेज में आपको दिखेगी बाई एसपी बख्शीस और पब्लिकेशन का नाम है अरिहंत पब्लिकेशन। ऐसा मत समझिए कि अरिहंत पब्लिकेशन से हम कुछ स्पॉन्सर किया है, वो जो हमको जेन्युइन बुक लगी है अच्छी वो आपको हम बता रहे हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको 285 रुपया है, ठीक है, 285, ठीक है। वाकई मुझे सबसे अच्छी बुक अभी जो लगी है वो एसपी बख्शीस की लगी है, ग्रामर और वोकैब दोनों के लिए, ठीक है। हाँ, इसकी कंटेंट की बात करें तो कंटेंट देखिए इसमें क्या क्या प्रोवाइड आपको किया जाता है। तो अगर जो बात करें यूनिट वन में तो फंक्शन ऑफ टेंस बताया जाएगा, ठीक है, कि टेंस का क्या फंक्शन है, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस सारे को। उसके बाद आपको रिवीजन एक्सरसाइज मिल जाएगी, उसके बाद आपको फिर वॉइस, अगला चैप्टर क्या हो जाएगा आपका वॉइस, फिर मॉडल्स, इसमें भी आपको रिवीजन एक्सरसाइज मिल जाएगा और आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। यूनिट टू में आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड क्लॉज है, रिवीजन एक्सरसाइज, फिर एक क्लॉज एनालिसिस, क्वेश्चन टैग, रिवीजन एक्सरसाइज, फिर आपका नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वर्ब्स रिवीजन एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज और आंसर, ठीक है। तो आपको थ्योरी भी इसमें ग्रामर की अगर जो बात करें तो थ्योरी भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, आप प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन भी मिल जाते हैं और साथ साथ उसका आंसर मिलते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करके आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। अगला यूनिट है यूनिट थर्ड में आपको आर्टिकल्स मिल जाएगा, नाउन मिल जाएगा, प्रोनाउन मिल जाएगा, इसके एक्सरसाइज मिल जाएंगे और आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। फोर्थ यूनिट आपका है एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, रिव्यू एक्सरसाइज है और आंसर है, ठीक है। और अगली यूनिट की ओर बढ़े तो अगला यूनिट आपका फिफ्थ यूनिट में है आपका फ्रेजल वर्ब्स है, आइटम्स एंड फ्रेज है, रिव्यू एक्सरसाइज है और आंसर्स है, ठीक है। सिक्स्थ यूनिट की बात करें तो स्पॉटिंग एरर्स है, ठीक है, मिसलेनियस, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका है, उसके बाद आपका सिलेक्टिंग द करेक्ट सेंटेंस है, उसके बाद आपका आंसर्स है, ठीक है। ये पार्ट बी में आपका टोटल 6 यूनिट दिए हुए हैं जो कि आपका 355 पेज तक ख़त्म हो जाता है, यानी कि 355 तक पेज तक आपको पार्ट वन ही रहता है। उसके बाद पार्ट बी आपका स्टार्ट होता है 368 पेज से, ठीक है, जिसमें वर्बल एबिलिटी आती है, जैसे आपका हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, वर्ड एंड मीनिंग्स हो गए, ठीक है, एडिशनल वर्क फॉर प्रैक्टिस, यानी कि आपको प्रैक्टिस के लिए एडिशनल वर्क दिया गया आपको, ये आपको पार्ट वन यूनिट वन यूनिट टू में भी मिलेगा, सारे यूनिट में एडिशनल वर्क मिलेगा आपको, वर्क फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो एडिशनल वर्ड्स फॉर प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस के लिए एडिशनल वर्ड आपको दिया गया है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दिया गया है, रिवीजन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन सिनोनिम्स यानी कि सिनोनिम्स के लिए अलग से आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है, रिवीजन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एंटोनिम्स, एंटोनिम्स के लिए अलग एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है, वर्ड एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, दी सेंटेंस कंप्लीशन दिया हुआ है, क्लोज टेस्ट दिया हुआ है और आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो पार्ट बी का पूरा आपका पार्ट बी में ये सारे कंटेंट आपको दिए हुए हैं। पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में आपको सेंटेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव कंप्रिहेंशन दिया हुआ और आंसर दिया हुआ। पार्ट डी की बात करें तो प्रैक्टिकल ग्रामर है, ठीक है, इसमें आपका हो गया नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, पंचुएशन एंड स्पेलिंग रूल्स, कंट्रैक्शन एंड आंसर, ठीक है। और ये आपको टोटल कितने 755 पेज तक गए हैं, टोटल इसमें पेज है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, देखिए पहला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है आपका कुछ इस तरह से, पहला चैप्टर आपको स्टार्ट होता है इस तरह से, फंक्शन ऑफ टेंस, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा डिफाइन किया हुआ है, यही इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है, फंक्शन ऑफ टेंस डिफाइन किया हुआ, स्टेट ऑफ एक्शन डिफाइन किया हुआ, फ्रेम ऑफ टेंस बताया हुआ है। फिर आगे आपको दिखाते हैं, फिर आगे आपको है
प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में बताया है, फिर एडिशनल यूज ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में बताया है, हिस्टोरिकल प्रेजेंट, फ्यूचर एग्रीमेंट, और उसके बाद देखिए वर्क बुक एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है। जब भी एक टॉपिक, हमको सबसे अच्छी बुक इसमें, सबसे अच्छी खासियत इस बुक में ही लगा है कि जब भी एक टॉपिक खत्म होता है तो कुछ क्वेश्चन आपको वर्क फॉर एक्सरसाइज के लिए दे देते हैं, ठीक है, ताकि जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आप कुछ पढ़े हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीखें, उसको यहाँ पर आप अप्लाई करिए, ठीक है। कुछ एडिशनल वर्क बुक एक्सरसाइज करके दे देते हैं, 5-10 क्वेश्चन, जो अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आपका स्टार्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, फिर एडिशनल यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे स्टडी फॉर करेक्ट, ये सब दे रखा है। फिर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म होगा तो आपका, देखिए जब ये टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टॉपिक खत्म हो जा रहा है, उसके बाद भी देखिए आपका वर्क बुक एक्सरसाइज दे दिए हैं, लगभग 5 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज करने के लिए दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो आपका हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट खत्म हुआ तो कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के लिए मिल गया प्रेजेंट, उसके बाद दूसरा टेंस खत्म हुआ, उसके बाद फिर देखिए तीसरा स्टार्ट हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये भी यहाँ से आपको देखिए स्टार्ट हो रहा है और अगले पॉइंट पे आप अगले पेज पे जाके खत्म हो रहा है। इसके लिए भी आपको देखिए वर्क बुक एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन इसमें भी आपको दे दिया है, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपको इस बुक में मिलेंगे, बहुत अच्छी बुक है, मुझे तो काफ़ी अच्छी बुक लगी है, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक काफ़ी अच्छी लगी है, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है, ये लास्ट का एक्सरसाइज है, रिवीजन एक्सरसाइज आपका देखिए बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ टेंस, ठीक है, ये रिवीजन एक्सरसाइज है। अगर जो आप इंग्लिश को वाकई मजबूत करना चाहते हैं और एसएससी सीजीएल हो या सीएचएल हो उसमें 50 out of 50 लाना चाहते हैं, तो ये बुक मेरे अनुसार से काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है, मुझे काफ़ी अच्छी ये बुक लगी, ठीक है। अब मेरे प्रिपरेशन के दौरान इसी बुक को यूज किया जाता है, किए थे। अगला टॉपिक देखिए आपका है वॉइस है, ठीक है, अगला टॉपिक आपका क्या है, वॉइस है। तो वॉइस कुछ इस टाइप का आपको दिया हुआ है, हाउ टू मेक पैसिव वॉइस, फिर आपको इस टाइप का पूरा फार्मूला आपका दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी तरह से समझाए हुए हैं। तो कुछ इस टाइप का आपका ये बुक है, जनरल अरिहंत का जनरल ऑब्जेक्टिव बाय एसपी बक्सीस, ठीक है। तो इस बुक में, इस वीडियो में इतना ही बताना था कि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर इंग्लिश के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, एसएससी सीएचएल के लिए, एसएससी सीएचएल के लिए, कि एसएससी सर हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए कौन सा बुक लें, कौन से बुक को इससे प्रिपेयर करें, या एसएससी सीएचएल के लिए या एमटीएस के लिए, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो सबसे अच्छी बुक अभी मार्केट में है वो आपकी ये है अरिहंत की एसपी बक्सीस ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ठीक है। थैंक यू।